अमेठी में गरजे राहुल गांधी, कहा मोदी ने उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव दी जमीन, गुजरात के किसानों की हालत ठीक नहीं। उत्तराखंड के श्रीनगर में बोले मोदी, मां बेटे ने भोले भाले लोगों को बहकाया, 10 साल में देश को किया तबाह। डीडी इंटरव्यू पर बड़ा विवाद, सूचना प्रसारण मंत्री की सफाई, प्रसार भारती एक स्वायत्त संस्था, विवाद से मंत्रालय का कोई संपर्क। अमित शाह का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप, 30 अप्रैल के चुनाव में लूटा बूथ, एसपी ने कहा हार के डर से बयानबाजी। असम के कोकराझार और बक्सा में उग्रवादियों का खूनी खेल जारी, महिला बच्चों समेत 32 की हत्या इलाके में कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। सबसे पहले बात सियासी घमासान की। गरीब के घर में रोटी के लिए कमल को लेकर के हमें आना है, तो अब देश की जनता खुद तय कर ले कि उन्हें किसे वोट करना है। हमारा दबाव यहाँ पूरा है। तो अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी रैली की, उन्होंने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया, कहा कि गुजरात में कौड़ियों के दाम पर उद्योगपतियों को जमीनें दी गई और वहां के किसान रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी के लोगों का दिल उनसे मिला हुआ है। उन्होंने स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास का नाम लिए बगैर कहा कि ये लोग बाहर से हैं और चुनाव के बाद फिर चले जाएंगे। हिंदुस्तान को अगर आगे ले जाना है तो गरीबों को सरकार से